हेलो गुड मॉर्निंग मैम ओह सॉरी मैम मैं भूल गई थी जी जी मैं कल आके आपसे मिलती जी 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 ओके हाँ जी हाँ जी ओके सुनिए आरू के स्कूल से फ़ोन आया था फीस के लिए कि uh, फीस समीशन है है हाँ जी फिफ्टी थाउजेंड करता हूँ okay. ये है हमारे आज के भारत की तस्वीर एक ऐसी तस्वीर जिसमें लगभग 80 प्रतिशत हिंदुस्तानी इसी खींचतानी में आज के जीवन को जीना छोड़ के भविष्य के लिए चिंतित हैं क्या आपने कभी इस बात पे गौर फरमाया कि हर वो हिंदुस्तानी जो उच्च पदों पे आसीन है क्या उनके माँ बाप भी ऐसी ही अवस्था से दो चार हुए होंगे तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं आप चाहें तो अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी किसी से भी ये पूछें कि उनकी जीवन भर की कुल पढ़ाई का खर्चा कितना रहा होगा मुझे यकीन है कि उनकी पढ़ाई का खर्चा और आज के नर्सरी क्लास के बच्चे की एक साल की फीस का अंतर बहुत ज़्यादा होगा यानी कि बहुत ही कम फीस में हमारे बड़ों ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो क्या वाकई में पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है या फिर हम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में मासूमों को पिसने के लिए वाध्य कर रहे हैं क्या वाकई में एक ये चक्र है ऐसा बाजार का चक्र जिसमें हर मध्यम वर्गीय पिसने के लिए मजबूर होता जा रहा है तो आइए देखेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी आपदा का जिम्मेदार कौन हर सरकारी स्कूल में हर विषय और व्यवस्थाएं कागजों पर तो उच्च स्तरीय हैं, पर हकीकत यह है कि माँ बाप हों या शिक्षक अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चों के लिए एक फ्री में पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा और टीचर को मिलती है एक अच्छी खासी मोटी रकम सैलरी के रूप में हर साल शिक्षा के नाम पे लगभग अरबों रुपए खर्च किया जाता है लेकिन पढ़ाई का स्तर एकदम घटिया होता है 2021 और 22 में लगभग पचपन हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई और पढ़ाई के नाम पे अगर आप सरकारी स्कूल के बच्चों से बातचीत करें पाँचवीं से लेके आठवीं क्लास के किसी भी बच्चे से आप विज्ञान भूगोल गणित इंग्लिश तो छोड़ ही दीजिए हिंदी में भी अगर आप दो लाइन पढ़ने को बोलेंगे तो उसमें से बारह शब्दों में से, शब्दो, से पांच ऐसे शब्द होंगे जो वो गलत ही पढ़ेंगे कौन कौन सी क्लास में तुम कौन सी क्लास में बेटा तीन तीन तीसरी क्लास में हूँ और तुम्हें क्या पसंद है कौन सा सब्जेक्ट विषय पसंद है पढ़ना तुम बताओ बेटा तुम्हें, तुम कौन सी क्लास में हो कौन सी कक्षा पढ़ते हो चार में चार में पढ़ते हूँ और तुम्हें कौन सा विषय बहुत अच्छा लगता है अच्छा ये बताओ तुम तुम्हारी स्कूल का क्या नाम है चलो स्कूल का नाम नहीं पता है कि याद नहीं आ रहा है कि डर लग रहा है शर्म आ रही है नाम बताओ स्कूल का चलो अच्छा ये बताओ स्कूल में तुम्हारी टीचर है शिक्षक है वो तुम्हें क्या पढ़ाती हैं तुम बताओ तुम कौन सी क्लास में बेटा सेवेंथ सेवेंथ में हो क्या पढ़ाती है टीचर टीचर्स ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हैं पूरा पढ़ाती हैं और अच्छे से पढ़ाती है कैसे पढ़ाती है वो आपको ठीक तो पढ़ाती अच्छा पढ़ात, पढ़ाती हैं तुम्हें कौन सा विषय पसंद है मैथ्स तो मैथ्स पसंद है अच्छा बताओ ट्वेल्थ सिक्सा कितना होता है ट्वेल्थ सिक्सा ट्वेंटी कोई कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छा बताओ सेवन एट कितना होता है ट्वेंटी कोई बात नहीं और यहीं से शुरू होता है प्राइवेट स्कूलों का कुचक्र जहां पे हर नेता अधिकारी व्यापारी और देश का सबसे बड़ा वर्ग यानी कि मिडिल क्लास मजबूर है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए हालांकि प्राइवेट स्कूल में स्तर पढ़ाई का तो अच्छा होता है लेकिन इसके एवज में जो फीस होती है उसकी कोई तय सीमा ही नहीं है नेता अधिकारी और बड़े व्यापारी इन सबको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि लगभग सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यही लोग चलाते हैं पर जो असल में पिसता है वो है मिडिल इनकम क्लास वो इस कदर पिस चुका होता है कि उनकी जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और हासिल होता क्या है अच्छी शिक्षा जी नहीं इतना ज्यादा कंपटीशन कि मां बाप हर समय बच्चों को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं चाहे बच्चे में काबिलियत हो या ना हो इतना ज्यादा कंपटीशन बच्चों में पैदा करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे भी उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ये भूल जाते हैं कि उनका भी एक बचपन है सैकड़ों ऐसे किस्से हो चुके हैं जहां माँ बाप ने अपने बच्चों पे इस कदर प्रेशर डाला पढ़ाई का कि बच्चे या तो डिप्रेशन में चले गए या उन्होंने सुसाइड कर ली मैं जो आज आपको बता रही हूँ कुछ अनोखा या नया नहीं है आप भली भांति जानते हैं कि बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर किस लेवल तक आपके बच्चों को नुकसान दे सकता है आप इस चीज़ को समझिए कि हर बच्चा आइंस्टीन नहीं बन सकता क्योंकि कुछ बनते हैं एम एस धोनी तो कुछ बनते हैं अमिताभ बच्चन तो कुछ बनते हैं अब्दुल कलाम 2007 में एक मूवी आई थी तारी जमी पे जिसने सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हर बच्चा खास है इसलिए उम्मीद करती हूँ आप भी अपने बच्चों में वो हुनर ढूंढेंगे और पढ़ाई का प्रेशर कम से कम रखेंगे और इसी के साथ मैं एक और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे शो जिम्मेदार कौन से जुड़े रहेंगे कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और अपने जो भी विचार हैं या आगे भी आप चाहते हैं कि उससे जुड़ा कोई नया एपिसोड मैं बनाऊं तो कृपया करके अपनी कमेंट जरूर कीजिए टिल देन टेक केयर श्रद्धा राय